वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत जिला रसद अधिकारी के आदेशों की पालना में राशन डीलरों द्वारा घर घर जाकर उपभोक्ताओं को जागरूक कर राशन सीडिंग का कार्य प्रगति पर चल रहा है। बुरावड़ कस्बे के राशन डीलर जीतमल सोनी ने बताया है कि सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत 30 नवंबर तक राशन कार्ड में आधार सीडिंग वंचित रहे उपभोक्ताओं की शत प्रतिशत आधार सीडिंग करवाए जाने के आदेश जारी किए थे। सरकार ने समय बढ़ाते हुए 5 दिसंबर तक का अंतिम समय कर दिया है। राशन डीलर जीतमल सोनी ने बताया कि सीडिंग समय पर नहीं होने वाले के विरुद्ध सरकार उचित कदम उठाएगी। जिस उपभोक्ता का राशन कार्ड की आधार सीडिंग नहीं होगी वह गेहूँ प्राप्त करने में स्वयं ही वंचित हो जाएगा। हम आपको बता देते हैं कि गत दिनों जिला रसद अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित डीलरों की बैठक में राशन कार्ड में जिन उपभोक्ताओं के आधार कार्ड जुड़े हुए नहीं हैं उनको जोड़ने के लिए जोर दिया था। रसद अधिकारी ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के राशन कार्ड में आधार नहीं जोड़े जाएंगे उनका आगामी माह में राशन बंद हो जाएगा। इस परेशानी से बचने के लिए सरकार ने 30 नवंबर से पहले सभी उपभोक्ताओं आधार सीडिंग करवाने के निर्देश दिए हैं। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि जिस उपभोक्ता का दोहरा राशन कार्ड बना हुआ है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आधार सीडिंग करने के लिए राशन डीलर आमजन और उपभोक्ताओं को लगातार जागरूक कर रहे हैं। जिला रसद अधिकारी ने कहा वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत सभी उपभोक्ताओं को अपने राशन कार्ड में आधार कार्ड दर्ज करवाना आवश्यक है। इसके साथ ही उपभोक्ता दूसरे कार्डों में भी अपना नाम दर्ज करवाते हैं वे अपना अपना शीघ्र हटवा लें। जिन उपभोक्ताओं की बालिकाओं की शादी हो गई है जिस उपभोक्ता की मृत्यु हो गई है वे अपना राशन कार्ड से नाम हटवा दें। राशन कार्ड से नाम हटवाने के लिए अपने संबंधित राशन डीलर से संपर्क करें। ये आधार सीडिंग का भी काम चल रहा है और जो अन्यत्र जुड़े हुए हैं उनको ई मित्र पे भेज के उनका भी सही करवा रहे हैं। जो टारगेट है जितने भी आधार सीडिंग नहीं हुए हैं उनको 5 तारीख तक कैसे भी रात दिन एक करके करवा देंगे।